हाँ आराम से तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ पहाड़ी राइडर्स। तो फिलहाल सीन ऐसा है कि हम लोग रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं और हैप्पी आज जा रहे हैं देहरादून और फाइनली बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद ये फैसला लिया गया था कि इस तारीख को जाएंगे। सामान बहुत है, एक से पहना हुआ और एक मैंने पहना हुआ है। चलते हैं। अभी आपको दिखाएंगे हम चार धाम रोड के जो कंस्ट्रक्शन का हालात हुआ है पिछले लास्ट कुछ दिनों की बरसात में, क्योंकि सुनने में आया कि आगे बहुत खराब हुआ है। लेट्स सी। और इसका माउंट भी उखड़ गया है जो एमसील से लगाया हुआ था। अब भी जस्ट ये है रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच की रोड की। हाँ, बरसात का कारण यहाँ बंद था। तो एक दिन जब बारिश आई तो ज्यादा मलबा इधर आ गया था, इस वजह से पूरा बंद था ये। हाँ, ये हमारी चार धाम जो 2020 में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वैसे हुई नहीं। 2021 में कंप्लीट होनी चाहिए थी, अभी चल रहा है रिसेंटली, पर हो जानी चाहिए थी। अभी तो सीन ये था कि अभी वैसे यात्रा चलनी थी, पर कोरोना की वजह से इनको भी मज़े आ गए और रोड के भी मज़े हो रहे। देख रहे हो आप क्या हालत है इसकी। अभी श्रीनगर के आगे कहीं पर शायद फिर से एक जगह पर है और अभी श्रीनगर से थोड़ा सा पहले कहीं पर है। लेट्स सी कितनी हालत अच्छी है, कितनी हालत खराब है। और लंबा डूर है, मज़ा आ रहा है। कोई बात। सो गाइस, ये है सिरोगढ़। यहाँ पे हालत हमेशा, मतलब जब भी थोड़ी सी बरसात आती थी तो यहाँ पे हमेशा ख़राब ही होता है 99%। अभी भी ये पिछले साल ठीक था, अभी फिर से बहुत ही खतरनाक। इस बार जब लगातार चार दिन बारिश हुई तो यहाँ की हालत बहुत डाउन थी। ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे, ओ भाई साहब पत्थर। ये फुल ऑफ रोड है, ये मतलब परमानेंट ऑफ रोड है कह सकते हैं आप इसको, सदाबहार। ये है दारी देवी का मंदिर और अभी पानी देखिए कितना ऊपर आ चुका है बिल्कुल। तो अब वो बस रिसेंटली जो बाढ़ जैसी आई थी उसके चक्कर में, जो 3-4 दिन तक लगातार बारिश आई है उसके चक्कर में इतना ज्यादा बढ़ा हुआ। और अभी आगे डैम के उधर देखते क्या होता है सीन। इधर जाम काहे लगा रहे, कुछ फूटा क्या? इतने सारे ट्रक है, बड़ा फन आगे लगा हुआ जाम भाई पूरा। ये बाईपास है इधर से ऊपर गया दूसरी रोड। तो ये यहाँ पे मिलता है रोड श्रीकोट से थोड़ा पहले। ओ है एंकर उतर गया। अभी बज रहा है 9 और हम लोग श्रीनगर मार्केट पहुंच चुके हैं बहुत ही खराब रास्ते के बाद। तो हियर वी आर एट देवप्रयाग। अभी ये है पूरा देवप्रयाग। तो ये जो है, ये है अलकनंदा रिवर और ये है भागीरथी। यहाँ पे इनका मेल होता है और ये आगे जाती है फिर ऋषिकेश टुवर्ड्स गंगा। और मैं और हैप्पी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, धूल है। बट श्रीनगर से इधर का रूट काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। और ये टूट गया था, अभी ये जुड़वाया।
यह है अपन की सवारी। सामान हमारे पास काफ़ी है जो कि रेस में हमारा सारा सामान जो है वो गायब हो जाएगा। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग से आगे की ओर। तो यार चलो चलते हैं। रूट जो है वो बहुत प्यारा बना है अभी चार धाम योजना, आगे देखते हैं क्योंकि कहीं तो बहुत टूटा हुआ है, आई डोंट नो कहाँ। और अभी नाश्ता के लिए हम देवप्रयाग करने वाले थे बट मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया तो वी डिडंट स्टॉप देयर और आगे देखेंगे। इधर रुके खाना खाने के लिए हम। I'll show you the view. क्या व्यू है, क्योंकि वो रहा तीन धारा, मुझे वहाँ पे नहीं खाना क्योंकि वो तंदूर के आलू के पराठे बनाते हैं विच इज़ नॉट टू गुड, कभी कभी ठीक है मज़ा नहीं आता उसमें था। तो वी थॉट कि यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए। व्यू बहुत ही सूदिंग है, यहाँ पे भी अच्छा है। सो लेट्स गो एंड ईट। इट्स 10:43। तो अब हम लोग निकल रहे टूवर्ड्स अगेन अवर डेस्टिनेशन, ऋषिकेश फर्स्ट तुम देहरादून। ये रहा तीन धारा और रोड इतनी मक्खन है कि हम 40-50-55 पे चल रहे, ज़्यादा तेज भी नहीं। ये तीन धारा पूरा बिम पे खड़ा है, पूरा बिम पे खड़ा है देख सारा। यहाँ पे बिल्कुल टूटा हुआ है, देखिए ये अभी टूटा है शायद। इधर बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। ये हाल है रोड के अभी चार धाम के, पहले भी था बट इतना नहीं था यार, पहले इतना नहीं था यहाँ पे बहुत। और इधर हमारे लिए लगा जाम, हमेशा ऐसे जगह पहले किसी को जाना देना चाहिए। ये देखो चार धाम योजना हमारी, काम तड़ाथड़ हो रहा है बिल्कुल धड़ाथड़। अरे ये अंकल तो मैंने बहुत बार देखा हुआ यार। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ों में चल रही हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल, आए हाय दैट्स इट डाउन फ्रॉम देयर एंड इट्स ऋषिकेश 31 मतलब 1 hour टू गो। सो हियर वी आर नाउ एट बियासी। यहाँ पे तो खैर हमेशा ऐसे ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कुछ यार अभी हमने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लिया और आज भी शायद बहुत सालों बाद फैंटा पी। भाई ऋषिकेश आते ही उमस शुरू हो गया। It's 12:25 और अभी हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। बहुत गर्म है ऋषिकेश में यार। हाँ here we are going now अपनी दीदी के घर।
A few moments later. So यार अभी बज रहा है 3:15 के आसपास और मैं और हैप्पी पीछे आ रहा है, निकल रहे हैं देहरादून के लिए और यहाँ से मैंने उठाई है जीजू की बाइक और अभी अपन लोग जा रहे हैं देहरादून। So let's go guys, let's go. After 2 months or 6 days, I'm coming back to Dehradun. Feeling excited or happy? ये camp से let's see क्या माहौल बनता है। अभी कुछ दिन तो busy हूँ फिलहाल, कुछ काम है उनमें व्यस्त हैं। तो सी चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे ब्रेक के बाद। यार अभी हम देहरादून भी नहीं पहुंचे, हाफ ऑफ द देहरादून है, देहरादून का मौसम खराब है और हमें बारिश मिलेगी, ये मैं 120% श्योर हूँ बारिश मिलेगी और मुझे भीगना नहीं है। जब हम भानियावाला एयरपोर्ट के आसपास हैं पूरा मौसम खराब है, ये देखिए पूरा। हैप्पी कहाँ हैप्पी? आराम से आंटी, आराम से आंटी गिर गई थी लिटरली लिटरली। हैप्पी आराम से दबा चल भाई साहब, इतनी तेज आंधी आई हैवंट सीन। भाई साहब बाइक बुलेट तक उड़ रही है। यो वहां पे कुछ हो गया, आई थिंक सो। हैप्पी ठीक है भाई साहब? ऐसी आंधी लिटरली, भाई साहब गाड़ी रोक दो। आराम, ये बुलेट उड़ा रही है ये हवा तो। भाई साहब फट रही है। क्या हुआ? मैं चला रहा था ठीक है, मैं हिला अभी ले। ओ भाई साहब मैं इतना तेज उड़ रहा हूँ ना। अरे मैं भी बहुत तेज चल रही है। चल हैप्पी चल, तो हल्के हल्के चल, सब निकल गए, हल्के हल्के चल आ जा, मेरे को वहां पे तक छोड़ देना। ये देखिए फुल मजे ले रहे हैं लोग। हाँ मेरे को वहां तक छोड़ दे। उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, वो मेन है बेटा भी। यहाँ तो सामान भी उड़ रहा है भाई। क्या रुक जा, मैं बताता हूँ कैसे करना उसको। मेन चीज है तो बच गई ना हमारी। ले